नमस्कार दोस्तों, मैं अभी पत्थर में बैठ गया अभी आराम से। और ये पत्थर है तो इसमें रेस लगा, बैठने लगा मैं, थोड़ा रेस आराम से बैठ जाऊंगा और कभी सो भी सकता है इससे आराम से। इवनिंग में हवा भी मस्त है ना, इतना खूबसूरत हवा है। चलो फिर एक शायरी सुनाता हूँ अभी, है ना। तो आज एक शायरी सुनाता मैं, बहुत खूबसूरत शायरी है और ये शायरी को मैं बहुत याद आ रहा है। और ये इतना अच्छा शायरी है, कभी ज़िंदगी में अगर कोई कभी उसको हमेशा याद रखेगा ना, तो हमेशा मतलब आगे बढ़ेंगे। ये एक मेरा हमेशा मतलब शायरी बोलते हैं उसका, मैं हाँ शायरी हमेशा सुनता हूँ मैं। और ये है, मैं अच्छा तरह से बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन उसका जो बोलते हैं ना, वो काफ़ी खूबसूरत है। मतलब उसका तो ध्यान है। और ये था, थोड़ा भूल गया मैं, ये हो गया साहस और धैर्यों, है ना। तो इंसान का जो साहस होता है वो कह रहे हैं मतलब आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ आने के लिए साहस ही नहीं कर रहा था, कैसे आऊँ मैं, देखो कितना जंगल है और समुद्र किनारे है, आने का वो है। तो लेकिन यहाँ आने के बाद जो मज़ा आया मुझे, बहुत ही अच्छा लगा। हवा, यहाँ का जो फ्रेश एयर, फ्रेश हवा, इतना फ्रेश हवा। और देखो बगल में जैसे लेक है ना, बगल में लेक है, सारे तरफ ही मतलब जंगल जंगल जंगल, उसी का बीच में किनारे है ये देखो पत्थर वगैरह। तो यहाँ आके मैं जैसे खुशी लगा, तो आने काफ़ी तरह ये लगा कैसे है क्या है, लेकिन आने की बहुत मन कर रहा था मैं। लेकिन आस में कोशिश करते करते, और ये साहस लेके आया मैं, दो शीस हमेशा, है ना, साहस हमेशा ना आगे मतलब साहस करते कुछ आने के। धैर्य होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको सफर रखने के लिए, है ना। तो ये दोनों चीज वो कह रहे थे मैडम, उसका जो शायरी है तो मैंने सुना था, तो बहुत खूबसूरत लगा। धैर्य और साहस, वो दो चीज रहता है वो हमेशा काबिल मतलब ये होता है, आगे बढ़ते हैं मतलब, है ना। तो ये हमेशा हम भी रखना कि साहस बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसको पकड़ रखने जो धैर्य है ना, माइंड का ये है, तो पैसेंस वो बहुत ज़रूरी है। तो ये आज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ आके मुझे ये बात याद आया, मतलब पैसेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है और साहस है वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन दोनों भी बहुत माइंड रखना पड़ेगा तभी इस मंजूर में पहुँचेंगे। जो भी है, अच्छा लगा मैं यहाँ पहुँच के मतलब आप लोगों के साथ बात करने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद।